अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तीन स्टॉक्स का जायज़ा लेंगे और उनको देखेंगे। पहले टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, जो इंडिकेटर हमने लगाया है वो सिंपल मूविंग एवरेज 20 जो कि शॉर्ट टर्म है और 50 जो कि लॉन्ग टर्म है। इन दो मूविंग एवरेज देखेंगे कि सिग्नल कैसे जनरेट होता है पावर सीमेंट का, और फिर देखेंगे दीवान सीमेंट का, और फिर देखेंगे फ्लाइंग सीमेंट का, और इन तीनों स्टॉक्स के फिर हम फंडामेंटल चेक करेंगे और उनकी देखेंगे फेयर वैल्यू क्या है, उसकी टारगेट प्राइस क्या हो सकती है और रिस्क फैक्टर्स में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर सीमेंट से। तो ये इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है SCSTrade.com से, या आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम लिखें और यहाँ पे ये क्रॉस ओवर लगता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके इनपुट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके इनपुट्स होते हैं वो 9 और 26 होते हैं, तो यहाँ मैंने चेंज कर दिए हैं, 20 और 50 इंडिकेटर लगाया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे कि प्रीवियसली जो इसका, यहाँ पे आप देखें कि ये प्लस के निशान बने हुए हैं, ये इसका सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये जो लाइन है इसकी थोड़ी सी पिंकिश, ये MA20 है। तो आप देखें कि MA20 जो है MA50 को यहाँ पे तकरीबन 9 रुपये 90 पैसे के क्लोज क्रॉस करती है, और जो स्टॉक है उस टाइम ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 10 रुपये 26 पैसे पे। तो इसका मतलब है कि इसके अराउंड आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, जहाँ पे इसका सिग्नल जनरेट हो गया है बाइंग। ये आपने थोड़ा सा ध्यान से लेना है, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि ये जब मार्केट या स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है तो ये सिग्नल फेक सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। जब इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश होगा, ये स्टॉक बुलिश होगा, जैसे यहाँ पे आपको कैंडल नज़र आ रही है बुलिश कैंडल, तो वहाँ पे इसका थोड़ी सी आप समझ लें कि वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये बाइंग सिग्नल ट्रू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे 10 से जैसे ये ऊपर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसके बाद इसको आप, ये स्टॉक जो है ये ऊपर जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 11 रुपये 69 पैसे पे गया और अगले दिन ये 11 रुपये 55 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो जब स्टॉक यहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर आपने इसमें ट्रेंडिंग स्टॉक में, जब इसके फंडामेंटल थोड़े से वीक हों, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। स्टॉप लॉस में डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे अगर स्टॉक है 11 रुपये 57 पैसे, तो पिछला जो है इसका आप देख लें, ये कैंडल आपकी नज़र आ रही है, तो तकरीबन यहाँ कहीं आप लगा सकते हैं। और अगर आपने इसके हिसाब से लगाना है तो ये आपका स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है आपका 10 रुपये 73 पैसे, जबकि स्टॉक मूव कर रहा है 11 रुपये 68 पैसे पे। तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, इसको देखते हुए कि आपने कहाँ पे ख़रीदा हुआ है। 10 के राउंड ख़रीदा है और इस टाइम चल रहा है 11 रुपये 71 पैसे पे, बेशक स्टॉप लॉस ना लगाएं, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा इस सिग्नल के तहत, वो यहाँ के तकरीबन 10 रुपये 91 पैसे के अराउंड आपका हिट हो जाएगा, जो कि इसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो ये 10 रुपये 77 पैसे पे, और स्टॉक उस टाइम होगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है। जो प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो 10 रुपये 84 पैसे के अराउंड हिट हो जाएगा, जबकि आपने 10 रुपये पे उसको बाय किया था तो तकरीबन 80 पैसे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका बेरिश जो है सिग्नल जनरेट हो गया है पावर सीमेंट का, तो यहाँ से आप इसको जब सेल कर देंगे तो फिर आप यहाँ कहीं भी इसको बाय कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्नल, या फिर अगर आप सिग्नल का वेट करेंगे तो अभी सिग्नल इसका जनरेट नहीं हुआ है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर लेता या उसके करीब नहीं पहुँच जाता। वैसे इसके करीब पहुँच चुका है तो यहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हैं, अगर आपने इसके क्लोज कहीं पर उसको सेल किया हुआ है, 10 रुपये 50 पैसे से कहीं ऊपर आपने इसको सेल किया हुआ है। तो ये है पावर सीमेंट का जो हम स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो है मूविंग एवरेज 20 और 50। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, इसके तहत अगर आप इसको काम करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इसमें अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी काम आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये स्ट्रेटजी दीवान सीमेंट में। इसका जो लास्ट सिग्नल जनरेट हुआ है ये आपके सामने है, ये जनरेट हुआ था 11 रुपये तकरीबन 34 पैसे पे,
और उस टाइम स्टॉक मूव कर रहा था, यहाँ पे कहीं पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। जैसे कि जब आपने यहाँ पे अगर इसको बाय किया था 9 रुपये, 10 रुपये के अराउंड आपने बाय किया है, इस सिग्नल जो जनरेट हुआ है, तो आप इसको कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। देखें ये चल रहा है और ये तकरीबन चला गया है 13 रुपये 79 पैसे तक, ये गया है, क्लोज़ हुआ था 13 रुपये 66 पैसे पे। तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, या फिर जब ये देखें 2-3 दिन इसने एक लंबी बेरिश कैंडल बनाई है, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, या 50 पैसे 60 पैसे का मार्जिन रखते हुए इसमें से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी हिट हो जाता आपका, तो फिर आप वेट करते और ये इसका प्रॉपर बेरिश सिग्नल जहाँ पर जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर तो आपने इसको लाजमी सेल कर देना है। इसके बाद ये इसका आपने वेट करना है, अभी तक इसका बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको सेल किया हुआ है 11 रुपये से काफ़ी ऊपर 11.5 के अराउंड, तो फिर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इसमें से किसी भी लेवल पे, ये देखें ये बहुत अच्छे लेवल पे आया था, तो आप उसको हाफ़ या कुछ परसेंटेज उसकी आप यहाँ पर बाई करें, और जब इसका प्रॉपर सिग्नल जनरेट हो, मार्केट भी बुलिश हो, तो फिर आपको फर्दर इसको बाई कर सकते हैं। तो ये है दीवान सीमेंट, इसकी स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज क्रॉस 20 और 50 की। थर्ड हमारे पास जो स्टॉक है फ्लाइंग सीमेंट है, ये इस टाइम बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इसका जो लास्ट सिग्नल जनरेट होता है वो यहाँ पे होता है, जैसे हम बाइंग सिग्नल कहेंगे, जिसमें MA 20 जो है वो क्रॉस करती है इसकी MA 50 को, यानी कि जो शॉर्ट टर्म इसकी लाइन है वो इसकी लॉन्ग टर्म लाइन को क्रॉस कर देती है। ये 9 रुपये 70 पैसे पे इसका सिग्नल जनरेट हुआ था, और उसके बाद ये इसने हाई जो लगाया था वो ये हाई लगा क्लोजिंग की थी 16 रुपये 94 पैसे पे, और फिर ये अगले दिन इसकी एक लॉन्ग बेरिश कैंडल जनरेट हुई थी जो क्लोज हुआ था 16 रुपये 25 पैसे पे। तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ या अगले दिन लाजमी तौर पे आपका यहाँ पे हिट हो जाना था 15 रुपये 9 पैसे पे। अगर आपने यहाँ पे इसको बेच दिया है तो फिर अभी इसका सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन आपने स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, फिर आप इसका वेट करेंगे और यहाँ पे इसका प्रॉपर जो सिग्नल भी आ गया बेरिश सिग्नल, तो यहाँ पे आप इसको इसका वेट करेंगे। ये दोबारा इसको क्रॉस करें, अभी इसका ऑलमोस्ट जो है ना ये इस लाइन से ऊपर चला गया, आज इसकी क्लोजिंग का ये 14 रुपये 12 पैसे पे, और आपने यहाँ पे कहीं पे अगर स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है 15 रुपये 9 पैसे पे, तो आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। आप इसको 2-3 रुपये नीचे अगर आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे तो इसका कोई राइट शेयर जो है या बोनस शेयर जो है उसकी वजह से नीचे आया हुआ है, तो यहाँ कहीं पे भी आप इसको जब बेरिश देखें तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ से कुछ परसेंटेज आप बाई कर सकते हैं, बाकी परसेंटेज फिर आप इसका जब प्रॉपर सिग्नल जनरेट होगा बाय तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स का MA 20, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस का एनालिसिस था। इसको आप प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए, कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में होता यह है कि आपको स्टॉक महंगा ख़रीदना पड़ता है, यानी कि जब वो ऊपर जा रहा हो, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो फिर आपने स्टॉक को वहाँ पे लेना है जब वो सही बेरिश हो और बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे हो और उसके फंडामेंटल भी अच्छे आए हों, रिजल्ट भी आए हों। अभी हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा है, अब हम इसका देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और इसकी RSI को भी चेक करेंगे। चलें जब हम इसके जाते हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं। यहाँ पे तीनों स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही है, पावर, दीवान सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट की, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसकी जो पावर सीमेंट है और जो दीवान सीमेंट है, ये दोनों जो RSI के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हवाले से दोनों बेरिश हैं, यानी कि इसका चांस जो है ये ऊपर जाने का कम है, लेकिन इस दोनों स्टॉक्स में थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी आई हुई है, तो जिन्होंने अच्छे लेवल पे इसको सेल किया है वो बाई बैक कर सकते हैं इस लेवल पे, या वो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसको अच्छे लेवल पे दोनों बाई कर सकते हैं। जो फ्लाइंग सीमेंट है ये ट्रेंड कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा है। तीनों स्टॉक्स के आप देखेंगे कि जो पी ओ रही है उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग सीमेंट की जो पी ओ रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, 15 से ऊपर है, लेकिन इसकी जो सेक्टर की पी ओ रही है उसके हिसाब से तकरीबन ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ख़तरनाक है, लेकिन ट्रेंडिंग में है, ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है ये हम देखेंगे। इसका जो फ्लाइंग सीमेंट का
फर्स्ट टारगेट आपके जहन में हो सकता है वो मेरे हिसाब से 15-15.5 रुपये है। 15.5 रुपये आप इसका कुछ हिस्सा सेल कर सकते हैं। अगर ये 15.50 क्रॉस करता है तो इसका जो सेकंड लेवल बनेगा वो 18 के करीब जाके बनेगा। तो यहाँ पे भी आप कुछ परसेंटेज अगर रेजिस्टेंस आए तो कुछ परसेंटेज सेल कर सकते हैं या सारा भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जो इसका थर्ड 18 क्रॉस करने के बाद जो थर्ड टारगेट बनेगा वो तकरीबन 22 रुपये के करीब बनेगा, तो वहाँ पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। दीवान सीमेंट जो है ये बेरिश है और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसलिए इस क्वार्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया 32 पैसे, और इसकी जो पी और ई है ये तीनों स्टॉक्स में सबसे अच्छी इस टाइम चल रही है, 7.2 है जो कि सेक्टर की पी और ई से हाफ है। तो इस लिहाज से इसकी ये जो प्राइस है 9.21 रुपये ये बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये बेरिश है, थोड़ा सा रुका हुआ है। सीमेंट सेक्टर भी आज बेरिश रहा है तो ये थोड़ा सा है कि ये यहाँ पर आपको तंग कर सकता है, इसलिए इसको आप अगर आप 10% लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का तो 5% यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और इसको वेट करें 8.70 रुपये पे। अगर ये चला जाए तो जो वहाँ पे आप फर्दर इसको बाई करें तो 8.5 और 8.75 की मैंने इसकी जो रेंज है बहुत अच्छी है, यहाँ से फर्दर आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका जो दूसरा स्टॉक है इसका साथी दीवान फारूक मोटर, वो आज गैप हुआ है और वो कंपनी बंद पड़ी हुई है, मोटर का बिज़नेस बंद है, लेकिन मोटर वाले वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को जनरेट करें, और उसमें ये है कि वो उनकी जो जितने भी स्ट्रगल होगी दीवान फारूक मोटर की वो बेस करेगी दीवान सीमेंट पे, क्योंकि दीवान सीमेंट जो है ये इसने प्रॉफिट में चल रहा है, इसका आपके सामने नज़र आ रहा है 32 पैसे इस क्वार्टर का भी आया है, और पिछले क्वार्टर पिछले साल तो इसका रिजल्ट नेगेटिव था, लेकिन उससे 5-6 साल से ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन इस पर लोन्स काफ़ी हैं तो इसके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने इस पर कंडीशन भी लगाई हुई है कि वो ये डिविडेंड नहीं दे सकता है और इसने लोन भी वापस करना है। तो पूरा दीवान ग्रुप ही ज़ाहिर है लोन्स में गिरा हुआ है, बैंक्स ने इसके पीछे हैं, और इवन के जो दीवान सीमेंट है 2-3 साल पहले इसको कोशिश की गई है कि इसको सस्पेंड कराया जाए PSX ट्रेडिंग स्कीम से, लेकिन उन्होंने आई थिंक सिंध हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और ये सस्पेंड नहीं हुआ, ये चल रहा है। उस टाइम ये तकरीबन 25-26 रुपये पे था जब ये न्यूज़ आई थी कि इसको सस्पेंड किया जा रहा है, बल्कि आप चेक कर सकते हैं PSX की वेबसाइट पे बाकायदा नोटिस आ रहा था कि दीवान सीमेंट सस्पेंड हो रहा है, और उस दिन ये लोअर लॉक हो गया था और बड़ी पैनिक फैली थी, और ये बड़ा अच्छा चल रहा था और इसकी प्राइस भी निगोशिएट हो रही थी तकरीबन 28-30 रुपये पे इसकी प्राइस हो रही थी कि ये इतने पे कोई कंपनी इसको बाई करेगी, और ये उसी साल 2017-18 में इसने तकरीबन 40+ लगाया था। तो अभी जिस तरह दीवान फारूक मोटर कैप हुआ है, और अगर वो दोबारा न्यूज़ आती हैं कि वो ये कंपनी बहाल हो रही है और वो फिर दीवान सीमेंट का कोई हिस्सा ये पूरे का पूरा बेच रहे हैं, तो ये दीवान सीमेंट और दीवान फारूक मोटर जो हैं ये दोनों कैप पर कैप चल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा रिस्क लेना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पहले 2-3 दफ़ा ये कर चुके हैं, र्यूमर्स की बेस पे ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। इस टाइम दीवान फारूक मोटर जो है वो 6 रुपये पे कोड़ियों के दाम है, क्योंकि वो इस टाइम डिफ़ॉल्टर भी है, बैंक्स का लोन देना है, कंपनी बंद पड़ी है, बुरे हालात हैं, तो और कचरे के भाव वो बिक रहा है। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी को बहाल करते हैं तो जो दीवान सीमेंट है उसकी बेस पे तो दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। रिस्क है, पहले भी ये नाकाम हुआ है तजर्बा, लेकिन तजर्बा तो नाकाम हुआ है लेकिन इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसा कमाया इसमें। दीवान फारूक मोटर जो है वो 50 रुपये से ऊपर लगाया, दीवान सीमेंट ने 40 रुपये से ऊपर लगाए, और ये र्यूमर्स चलती रहीं, जैसा कि बाकी स्टॉक्स में आप देखते हैं नोटिस आते हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड कॉल का देखते रहते हैं कि नोटिस आ रहा है फलां इसको ले रहा है और उसकी बेस पर वो चलता है और फिर खबर आती नहीं आ रहा है, तो इस तरह के हैं। तो ये इसकी सिचुएशन है दीवान सीमेंट की, इस टाइम बेरिश है, अट्रैक्टिव लेवल है, और इसका बीटा जो है वो 2 पॉइंट से ऊपर है। बहुत कम स्टॉक्स हैं जिनका बीटा 2 से ऊपर होता है, और ये बहुत वोलाटाइल है, तो इसका कोई पता नहीं है ये किधर जाएगा, कैप पे कैप इसमें लग सकते हैं या यहीं पे ये रुका भी रह सकता है। तीसरा स्टॉक पावर जो है ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस टाइम इसकी जो EPS आई है वो इतनी अच्छी नहीं आई है, और पता नहीं ये कंपनी क्या करती फिर रही है, समझ नहीं आती। इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी हैं, और ये आई थिंक IRF Habib का आइटम है, और लेकिन ये स्टॉक चल नहीं रहा है।
बेरिश है, बीटा इसका अच्छा है, 52 वीक हाई भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 है। और इसका जो टारगेट प्राइस चल सकती है, वो पहली टारगेट प्राइस जो इसकी मेरे जहन में आ रही है, जो मैंने वर्कआउट किया है, मैं आपको बताता हूँ इसका, इसकी जो आ रही है पहली, तकरीबन 1,500 रुपये में इसको रेजिस्टेंस मिलेगी अगर ये चलता है। और इसका बाइंग सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस, MA 20 और 50, 1,000 रुपये से शायद वो 9, 9:30 पे जनरेट होगा, तो वहाँ पे इसमें तेज़ी आ सकती है। तो ये 10:30 का, अगर ये 10:30 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसका 12 रुपये पे इसका बनेगा टारगेट। और अगर ये 12 रुपये जो इसका प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करता है, ये क्रॉस करने का मतलब होता है कि ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे, डे ट्रेडिंग या उस दिन में हाई लो को हम नहीं देखते, हम क्लोजिंग रेट पे जब बात करते हैं कि 12 रुपये से ऊपर ये क्लोजिंग दे, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16 रुपये के करीब बन जाता है। तो हिस्ट्री में इसने 16 बल्कि 22-23 रुपये लगाया हुआ है, बड़े अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए हुए हैं और अच्छा स्टॉक है, इसमें रिस्क लिया जा सकता है। इस टाइम जो उसकी प्राइस है, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, 8 रुपये 20-25 पैसे तक ये जाता है, अगर वहाँ जाए तो बहुत ही अच्छा लेवल है, वहाँ पर बाइक होनी चाहिए, इवन कि ये 8 रुपये 70 पैसे भी बहुत अच्छा है। EPS इसकी बहुत डाउन है, पिछली EPS में भी डाउन ही आती हैं। बुक वैल्यू जो इसकी है ये काफ़ी अच्छी है, 11 रुपये है। बुक वैल्यू वाले से ये होता है कि कोई भी स्टॉक हो तो जो वॉरेन बफे है वो इस बारे में ये कहता है कि जो स्टॉक है उसकी जो बुक वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है स्टॉक की, वो बुक वैल्यू का 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 11 रुपये 1.5 ये तकरीबन बन जाता है 17 रुपये बन जाते हैं, और ये इस टाइम 8 रुपये 70 पैसे पे मिल रहा है। तो बुक वैल्यू के लिहाज से ये बहुत ही सस्ता स्टॉक मिल रहा है आपको, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। दूसरा है POV के लिहाज से, तो POV के लिहाज से ये बहुत महंगा स्टॉक बनता है क्योंकि इसके जो EPS है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपने देख लेना है। और थर्ड कैटेगरी में भी ये आप देख रहे हैं, टोटल डेब्ट टू एसेट्स में भी बहुत इसके बुरे हालात हैं, 75% है, और दीवान सिमिटेबल के से बेहतर है, फ्लाइंग के भी हालात को इतने अच्छे नहीं है, वो भी कर्जों में थोड़ा सा जकड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन है तीनों की। अगर हम फेयर वैल्यू को डिस्कस कर लें तो पावर की 11 रुपये बन रही है, और जो दीवान सीमेंट है 19-20 रुपये इसकी फेयर वैल्यू बन रही है, और अगर इसको कोई कंपनी परचेज करना चाहेगी और उसकी वो वर्कआउट करेगी तो इसकी जो उस टाइम फेयर वैल्यू बनेगी वो आई थिंक 28 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान इसकी वैल्यू बन सकती है, कोई भी कंपनी इसको इस लेवल पे खरीद सकती है। रिस्क इसमें मैंने जैसे कि बताया है, लोन्स हैं, पूरा दीवान ग्रुप लोन्स में है, तो खतरात हैं, इस वजह से ये स्टॉक इतना ऊपर नहीं जा रहा है, अदरवाइज़ इसके प्रॉफिट्स हैं, अच्छी कंपनी है, दो प्लांट्स हैं इसके, अच्छी कंपनी है, रिस्क इसमें आप ले सकते हैं। 52 वीक लो और हाई में जो दीवान सीमेंट है वो इसने तकरीबन हाल ही में 14 रुपये 60 पैसे का एक हाई लगाया था, बड़े अच्छा बुलिश ट्रेंड आया था तकरीबन 2 महीने पहले, महीना या 2 महीने हो गए हैं, और उसके बाद फिर इसमें डिक्लाइन आ गया, बल्कि पूरे सीमेंट फैक्ट सेक्टर में ही डिक्लाइन आ गया था, सारा सिकुड़ गया सीमेंट, और इस टाइम मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं, स्टील और सीमेंट दोनों स्टॉक्स जो इकट्ठे चलते हैं। तो ये सिचुएशन है, बाकी आप देख लें, किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी दोस्त का वो कमेंट्स में कर सकता है, या मुझे फेसबुक पेज है मेरा इसी नाम से, PSX डिस्कशन विद अ कप ऑफ टी, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।